हेलो फ्रेंड्स, चलो वेलकम मेरे अगेन यूट्यूब चैनल पर। आज के स्टूडियो में मैं आपको झारखंड उत्पाद पुलिस का जो दौर चल रहा है, 7 चयन पार्षद है, आज मैं आपको 2 से स्टार्ट करूंगा, मतलब एक सारे चयन पार्षद का क्लियर करूंगा कि रोड ट्रैक है या ग्राउंड ट्रैक है, सारा इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्ट मैं करूंगा जगुआर से और एंड करूंगा साहिबगंज से। वीडियो को आप ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा, कैसे आपको ट्रेन से भी आना ये भी बताऊंगा, ट्रैक क्या होगा सारा डिटेल्स मैं देने वाला हूं। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि आपके पास ज्यादा समय है नहीं रनिंग करने के लिए। देखो ये जो मैं लिखा हूं चैन पार्सल 02 रांची झारखंड जगुआर, अगर आप झारखंड पुलिस में जॉब करते हो तो उसमें से कुछ लड़के का चुनाव झारखंड जगुआर में होता है, जो बहुत अच्छा एक प्लेस है आपको पुलिस में जॉब करने का। ये तो दूसरी ही बात रही जगुआर की, ये तो जगुआर का दौर नहीं है लेकिन ये झारखंड उत्पाद सिपाही का दौर होने वाला है। तो इसमें आपको एक जो सेंटर दिया है चैन पार्षद नंबर 2 झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू रांची, ये होने वाला जो कि रांची से बाहर है, मतलब ये रांची शहर में नहीं है, पूरे रांची से बाहर ही आता है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें ट्रैक क्या है। देखो सबसे पहले अगर आप किसी बाहर जगह से हो, बिहार से हो चाहे यूपी से हो चाहे झारखंड के ही दूसरे राज्य से हो, कभी आप रांची टेंडरग्राम नहीं गए हो तो उसको मैं पहले बता दूं आपको। आपको सबसे पहले रांची रेलवे स्टेशन आना है, वहां जब आ जाओगे तो वहां से कम 15-16 किलोमीटर आपको यहाँ जाने में लगेगा झारखंड जगुआर टेंडरग्राम। तो उसके लिए आपको ऑटो मिलेगा, ऑटो जाता है डायरेक्ट भी जाएगा, उस दिन दौड़ के दिन बहुत सारे ऑटो जाएंगे, आपको कहीं तोड़ तोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलोगे मुझे जगुआर कैंप जाना है, थोड़ा पैसे ज्यादा लेंगे वो लोग लेकिन आपको झारखंड जगुआर कैंप पहुंचा देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपये लगभग भाड़ा वो लग जाएगा आपको जाने में, क्योंकि डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, तो अगर आप बुक कर लोगे तो और कम भी लग सकता है। तो ये रहा आपका झारखंड जगुआर कैसे पहुंचना है, आपको टेंडरग्राम कैसे पहुंचना है रातू। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को दौड़ वहां पर होने वाला है। ये जो मैंने बताया है, जो ये आपको फिगर मैंने बनाया है, ऐसा ही आपको दौड़ होने वाला है। मैंने पता किया है ये दौड़ कैसा, एकदम 100% ऐसे ही दौड़ आपको होने वाला है। सबसे पहले आपको 22 तारीख को जो पहला दौड़ है, 22 अगस्त 2024 को पहला दौड़ है, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा ये वीडियो, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसा ट्रैक है क्या है, लेकिन 22 के बाद बहुत सारे देखना वीडियो बन जाएंगे जिनसे आगे वाले लड़कों को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनके पास 22 के बाद भी परीक्षा है उन लोगों को भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपको झारखंड जगुआर में एक दिन पहले, जिसका दौड़ 22 को है, उनको मैं बोल देता हूँ वो 21 तारीख को रांची पहुंच जाएंगे। ठीक है, होटल वोटल बुक करके रह लेंगे, दोस्त के पास भी रह सकते हैं, और कोशिश करेंगे एक दिन पहले जाकर वहां पर पता कर ले ट्रैक। ऐसे आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रैक बता रहा हूं, अगर वीडियो देख लोगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है सेंटर पर। सबसे पहले आपको क्या होगा, झारखंड जगुआर में आपको कम से कम 5 बजे से दौड़ स्टार्ट होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, 5 बजे आपको इस झारखंड जगुआर का कैंप में आपको रखा जाएगा सभी लड़कों को, 2000 कैंडिडेट है पहले दिन। इसमें आपका हाइट चेकअप होगा, चेस्ट चेक होगा, ये जब चेक हो जाएगी इसमें जब आप पास कर जाओगे, हाई चेस्ट में पास कर जाओगे, उसके बाद आपको एक चिप पहनाया जाएगा। ठीक है, चिप पहनाने के बाद आपको यहाँ पर कम से कम 2000 लड़के पहले दिन है तो कम से कम आपको देखना 500 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले यहाँ से व्हिसिल मारा जाएगा, यहाँ से आपका चिप पहनाकर आपको दौड़ाया जाएगा एक बार में 500 लोगों को, तो छोटा बहुत छोड़ ही दिया जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आप लोग को यहाँ से दौड़ना है, 5 किलोमीटर रोड रहेगा, सीधा रोड है 5 किलोमीटर जाना है, ITBP कैंप पहुंचना है, यहाँ पे कैंप है, कैंप के बाहर एक बना रहेगा, सभी लोग रहेंगे वहां पर, मतलब कैंप के अंदर नहीं जाना है, कैंप के बाहर ही बना रहेगा, वहां पर आपको यहाँ से पहुंचना है। यहाँ पर आपको एकदम किसी भी हालत से यहाँ पर आपको टच करना है, क्योंकि यहाँ पे CCTV कैमरा और सेंसर भी लगा रहेगा, जो आपके सिर पे जो हेड पे सेंसर लगा रहेगा, वहां पर जैसे यहाँ टच करोगे तो आपका यहाँ पे टाइम काउंट हो जाएगा और बताया जाएगा कि आप यहाँ पहुंच गए हो,
5 किलोमीटर ट्रेवल कर लियो, फिर आपको यहाँ से बैक होना है, कहीं भी चोरी चमारी नहीं करना है। आप सोचोगे कि मैं कट मार लूं या कुछ कर लूं, कुछ फायदा नहीं है। चारों तरफ आपको सिपाही भी खड़े रहेंगे जो आपको देख रेख करेंगे। आपको कहीं चोरी चमारी नहीं करना, कट नहीं मारना है, सिंपल दौड़ते रहना है। ऐसे 5 किलोमीटर आप जाओगे, फिर आपको यहाँ पर एंट्री करना है। आप यहाँ अगर रुक गए तो आप फेल हो जाओगे। आपको रुकना नहीं, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एंट्री कर जाना है। तब आपका टाइमिंग काउंट होगा, टाइम काउंट होगा। तो आप थोड़ा सा भी अगर शॉर्टकट मारोगे तो इसमें आपको फेल होने के चांसेस है। ये जो मैंने आपको बताया ये बॉयज लोग के लिए, बॉयज को 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट्स में। लेकिन जो लड़कियों का बारी आएगा तो वो गर्ल्स लोग को क्या दौड़ना है, गर्ल्स जो रहेंगी 40 मिनट्स में 5 किलोमीटर। तो आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोग सिंपल क्या किया जाएगा, गर्ल्स लोग को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, यहाँ पे बीच में 2.5 किलोमीटर का यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपको फिर से बैक हो जाना है और यहाँ आ जाना है। ये जो मैंने आपको ट्रैक बताया ये 100% ऐसे ही ट्रैक होने वाला है। ITBP के पास 5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ पर ऑलरेडी जगुआर के सिपाहियों या कोई भी वहाँ के कर्मी दौड़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जगुआर में रनिंग होने वाला है, उससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। और मैं रनिंग का टिप्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखा है, वीडियो आप देख सकते हो कैसे रनिंग करना है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में आपको भीड़ में नहीं रहना है। शुरुआत में क्या करना है कि आपको भीड़ से दूर होना है। रोड रहेगा बहुत चौड़ा, तो भीड़ में ऐसे किस किस नहीं दौड़ना, दूर से दौड़ना है कि आपको रोड में गिरो नहीं। पहला एक किलोमीटर आपको थोड़ा भीड़ नजर आएगा, मैं बोल देता हूँ। 1 किलोमीटर के बाद आपको भीड़ खत्म हो जाएगा और आप अकेले सिंगल रहोगे। मुझे लगता है कि ये आप टेंडरग्राम वाले बात समझ गए होंगे कैसे आना है। नेक्स्ट अब मैं बताने वाला हूँ जो कि पद्मा में है, पद्मा में कैसे रनिंग होने वाला है। नेक्स्ट मैं पद्मा बनाने वाला हूँ, पद्मा में कैसे दौड़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आपका चैन पार्सल नंबर 4 जो हजारीबाग के पद्मा में रनिंग होने वाला है। पद्मा एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें पुलिस की ट्रेनिंग होती है, सिपाही की भी, PTC भी ट्रेनिंग होती है, दरोगा की ट्रेनिंग, सभी की ट्रेनिंग में होती है। ये झारखंड का खुद का ट्रेनिंग सेंटर है ये पद्मा, जो हजारीबाग में अवस्थित है। चलो हम बात करते हैं हजारीबाग। अगर आप झारखंड से बाहर के हो या झारखंड में ही हो, कभी हजारीबाग नहीं गए, हजारीबाग कैसे जाना ये मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता हूँ। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका कोडरमा। कोडरमा रेलवे स्टेशन उतरोगे तो आपको वहाँ से हजारीबाग के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। पद्मा के लिए बहुत सारी बस खड़ी रहती है, सुबह से ही बस मिल जाती है। लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगा कि एक दिन पहले हजारीबाग चले जाना और वहाँ के अगल बगल होटल में रुक जाना, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन से पद्मा दूर है, समय लगता है, ठीक है, 60 से 70 किलोमीटर से कुछ डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ बाई बस से आना है पद्मा, ठीक है। बस से आप आओगे पद्मा आ सकते हो, कोडरमा रेलवे स्टेशन उतरना, वहाँ से सबसे नज़दीक है हजारीबाग। वहाँ पर उतरने के बाद आपको एक मेन गेट मिलेगा, बहुत रोड के किनारे ही पद्मा है, जो बहुत बड़ा लिखा रहता है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, JAPTC ट्रेनिंग सेंटर पद्मा लिखा रहेगा, बहुत बड़ा गेट बना रहता है। आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करके देख सकते हो कि कौन सा कहाँ पर वैसा लुक है, वो लुक तो मैं दिखा नहीं सकता। इंटरनेट पर सर्च कर लेना, रोड के किनारे है, वहाँ पर आपको बस वाले उतार देंगे। हजारीबाग आपको पहुंचने के बाद वहाँ होटल की दिक्कत आपको होगी, अगल बगल थोड़ा शहर थोड़ी दूर है तो होटल लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको अगर आप पहले आ जाओगे, एक दिन पहले, तो होटल मिल जाएगी। अगर आप लेट से आओगे तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बताता हूँ आपको मैं कैसा उस पर ट्रैक है, कैसा दौड़ होने वाला है। वहाँ पर हमेशा 10 किलोमीटर का दौड़ होते रहता है क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पर 10 किलोमीटर रनिंग कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक आपका रोड पे रनिंग होगा, ये रोड भी बता दूं आपको, ये रोड रनिंग होगा, ग्राउंड में नहीं होगा। JPTC पद्मा हजारीबाग में आपको ये गेट है, ये हजारीबाग कैंप का एक गेट है, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें सभी को आपको रखा जाएगा। जितने भी 2000 लड़के हैं पहले दिन जो इस दोनों के बीच में आते हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपका चेस्ट और हाइट चेक होगा, अगर आप इसमें पास होते हो तो आपको यहाँ पर रनिंग के लिए रखा जाएगा। वहाँ पर आपको, मुझे इसमें भी लगता है, 500 का पहले लोगों को दौड़ाया जाएगा। 5 बजे सुबह से स्टार्ट था, नहीं 5 बजे से सुबह से स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर रनिंग होगा। ये भी रोड सीधा रोड नहीं है, मैं बोल दूँ ये सीधा रोड नहीं है, थोड़ा सा घुमावदार है, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा घुमावदार है। ये यहाँ से आपको कम से कम 5 लोगों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे रनिंग करना है, रनिंग करना है, करना थोड़ा सा हल्का घुमाव भी है रोड में, लेकिन बहुत मजा आएगा। रोड बहुत एकदम हाईवे जैसा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गाड़ी वाड़ी भी नहीं चलती है, ये मतलब बहुत खाली रहता है, सिर्फ बाइक देखने को मिलेगा और ये रोड पूरा खाली रहता है। इसमें ना आपको दुकान वकान कुछ नहीं मिलने वाले हैं, कोई नहीं रहेगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जंगली क्षेत्र है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे दौड़ना है। यहाँ पर जो मेन गेट है, जो एंट्रेंस गेट है, मेन गेट है, जो आप रोड के किनारे मेन गेट है एंट्रेंस का, वो गेट तक आना है। यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर कवर हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद फिर आपको यहाँ से बैक होना है, यहाँ से बैक होके वापस इसमें आपको किसी भी हालत में यहाँ से अंदर घुस जाना है। अगर आप अंदर नहीं घुसते हो तो आपकी रनिंग करना बेकार। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ऐसा ट्रैक मिलने वाला है, रोड रनिंग होगा। हजारीबाग और रांची का मैंने बता चुका हूँ, दोनों अभी भी रोड रनिंग है। आगे मैं बताऊंगा और सब में भी किसमें आपको ग्राउंड रनिंग है या क्या है। आपको यहाँ पर पहुंच जाना है। अब मैं लड़कियों को बताता हूँ, लड़कियों का 2.5 किलोमीटर ये रहेगा ट्रैक। तो आपको यहाँ से आना है, फिर यहाँ पे आपको अपना जो भी CCTV कैमरा रहेगा आपका रिकॉर्ड करेगा, और आपका सेंसर यहाँ से आपको, फिर आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो आपको 40 मिनट मिलने वाला है फीमेल और 60 मिनट आपको मेल, ये टाइमिंग आपको दिमाग में रख लेना है। तो ऐसा ट्रैक आपको पद्मा में मिलने वाला है, रोड रनिंग होगा और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया कैसे आपको आना है, रेलवे स्टेशन आपको कोडरमा है सबसे नियरेस्ट, बाय बस आपको आना पड़ेगा। अब मैं थर्ड बात करता हूँ पलामू का, जो कि ट्रैक रोड नहीं है, रोड ही है, लेकिन वहाँ पर आपको हवाई अड्डा में रनिंग करवाया जाएगा। तो तीसरा मैं आपको हवाई अड्डा के बारे में बताता हूँ। चलो बात करते हैं चियाकी पलामू हवाई अड्डा, जो कि पलामू के अंतर्गत आता है। ये आपको झारखंड के गढ़वा पलामू लातेहार साइड में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेन से इस हवाई अड्डे तक पहुँच सकते हो। सबसे नीरेस्ट रेलवे स्टेशन है डाल्टनगंज, डाल्टनगंज पलामू में आता है इसका रेलवे स्टेशन। आपको यहाँ से आपको 2 से 3 किलोमीटर लगेगा चियाकी हवाई अड्डा आने में, मुश्किल से आपको 10 से 20 रुपए लगेंगे वहाँ से पहुँचने में। उससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत, देने की पैसा जरूरत नहीं है, शायद ऑटो वाले कुछ ज़्यादा पैसा ले, फिर भी आपको 30 रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा जाने में। होटल भी आपको मिल जाएंगे, आप अपने डाल्टनगंज मेन शहर में होटल ले लेना, चियाकी हवाई अड्डा दूर नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ होटल वोटल नहीं मिलने वाली है। चियाकी हवाई अड्डा के बगल में आपको मेन टाउन में ही आप होटल वोटल ले लेना, लॉज वॉज ले लेना, ये आपके लिए बेटर होगा। और डाल्टनगंज कैसे पहुंचना है, आप अपने नियरेस्ट अपने रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ट्रेन डाल्टनगंज जाता है। आप एक दिन पहले 22 को दौड़ है तो आप 21 को वहां पर 100% पहुंच जाना। चलो बात करते हैं वहां पर दौड़ कैसे होगा। अगर आपका 22 को दौड़ है तो आपको मैं बता दूं, ये आपको गोल गोल चक्कर वाला झंझट है। यहाँ पर रोड सीधा रोड नहीं है, ये एक हवाई अड्डा है जो पलामू में जो यूज नहीं होता है, मतलब इस पर कोई एरोप्लेन नहीं उतरती। कभी कभी मोदी जी आते हैं, कोई नेता मंत्री आता है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन ऐसा कोई हवाई जहाज वहाँ पर उतरता नहीं है। बहुत पुराना है और उधर अच्छे जर्जर अच्छे कंडीशन में, बहुत जर्जर हालत में है। तो वहाँ पर एक ट्रैक है, रेलवे बोलते हैं रनवे है, जो कि 1 किलोमीटर का रनवे है। इस पर ही आपका रनिंग होने वाला है, क्योंकि बरसात में आपको रोड ग्राउंड में रनिंग नहीं होगा, क्योंकि वो आपको किचकिच हो सकता है। तो जितने भी रनिंग होंगे वो आपको पक्के वाले एरिया में करवाए जा रहे हैं, जहां पर आपको बरसात हो भी जाए तो आप लोग को दौड़ने में दिक्कत ना हो। तो जितने भी ग्राउंड है वो सब रोड पर रनिंग होने वाला है, ग्राउंड में नहीं होगा। ग्राउंड है भी तो वो रोड वाला ही है, चक्कर तो काटना पड़ेगा। तो यहाँ आपको चक्कर काटना होगा, इसके किनारे किनारे आपको बनाया जाएगा रनिंग ट्रैक बनाया जाएगा, ठीक है। रोड है, उसके नीचे रोड ही है, किनारे रोड है। इसमें आपको यहाँ से एंट्री करना है, ऐसे ऐसे दौड़ना है, फिर आपको यहाँ से घूम के यहाँ आना है। तो आपका एक चक्कर होगा, मतलब एक चक्कर में, एक राउंड में आपको अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रैवल आप सर्च करोगे, मतलब 2 किलोमीटर आप जाओगे एक बार, एक चक्कर काटोगे 2 किलोमीटर, तो आपको 5 चक्कर काटने होंगे 10 किलोमीटर कवर करने के लिए।
वो चक्कर वाला आ गया, आपको चक्कर काउंट करना होगा, मतलब आपको 5 राउंड कर लगभग लगाना है इस चिया की हवाई अड्डे का, तब जाकर आपको 10 किलोमीटर आपका ट्रैवल होगा। तो ये रहा आपका, यही तरीका मैं चियांकी में रनिंग होने वाला है। तो आपको दिमाग में रख लेना है कि 5 राउंड दौड़ना है। कैसे दौड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने हाथ में कुछ ले लेना है कि जिससे आपको अपना राउंड काउंट कर सको। भूल जाओगे दिक्कत होगा, आपको स्टॉप वॉच ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप वॉच लोगे तो आपको पहला राउंड कितने में सफर किए, दूसरा राउंड कितने लगा, तीसरा राउंड कितने लगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। तो 2 किलोमीटर का है तो उस हिसाब से आपको पहला राउंड 60 मिनट है, 60 मिनट है कितना, 10 किलोमीटर दौड़ना है तो सोच लो कितना होना चाहिए, ठीक है। 12 मिनट ले लोगे तो 5 किलोमीटर दौड़ोगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको 6 मिनट में दौड़ना होगा 1 राउंड, तब जाकर आपको 10 राउंड आप मार लोगे, मतलब 1 राउंड आपको 6 मिनट में रिकवर कर लेना है, वो भी 60 मिनट के हिसाब से, लड़कों को बता रहा हूँ। तो ये हुआ आपका दौड़। अब लड़कियों का कैसा दौड़ होगा, इसमें ही इसको आधा बांध दिया जाएगा, लड़कियों को आना है, उनको भी 5 चक्कर काटना होगा। मैं बता देता हूँ, लड़कियों को भी 5 किलोमीटर का कवर के लिए इसको 5 बार दौड़ना होगा। तो ये आपका रहा चियाकी हवाई अड्डा का कैसा स्वरूप होने वाला है दौड़ का, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, मैं आपको और भी डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। लगभग यही दौड़ होने वाला है, इसी तरीका से होने वाला है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख लो, ये डायग्राम देख लो, ऐसा ही ध्यान से आप इसको अपने दिमाग में भर लो तो ही आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट चैन पार्षद के बारे में।